वीडियो को शुरू करने से पहले आई विल थैंक्स लूम सोलर फॉर प्रोवाइडिंग मी अ 10 वाट फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्पेसिफिक फॉर दिस वीडियो। थैंक यू लूम सोलर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे दोस्तों हमें एक ऐसे एनर्जी सोर्स की जरूरत है जो कि हमें काफ़ी लंबे समय तक एनर्जी दे पाए। तो यहाँ पर सन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आगे आने वाले हजारों लाखों करोड़ों साल तक हमारे साथ रहने वाला है और सन की वजह से ही ये जो अर्थ है ये रहने लायक है। तो जितना भी दोस्तों जीवन है अर्थ में, ये सनलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और अभी दोस्तों जो हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल, ऑयल, गैस, ये भी कहीं ना कहीं सन की वजह से ही हमें मिल रहा है। अभी करंट सिनेरियो की बात करें दोस्तों, हम लोग अराउंड 70% कोल पर डिपेंडेंट है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अभी अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं या फिर टू रन आवर ऑटोमोबाइल्स, वो सब के सब कोल को बर्न करके, मतलब कोयले को जला के थर्मल प्लांट से हमें मिलती है। तो ऐसे केस में सोलर सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ दोस्तों आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं, ये आपको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही फोटोवोल्टिक मॉड्यूल लेके आया हूँ। ये लूम सोलर का 10 वाट का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है। देख लीजिए, इतना छोटा है, मैं इससे बड़ा भी ला सकता था, बट दोस्तों बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इन स्पेस, एक 300 वाट का, एक 100 वाट का पैनल अनबॉक्स करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो 10 वाट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब व्हाट इज सोलर सेल। तो ये लूम सोलर का 10 वाट का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है जो कि काफ़ी छोटी पैकिंग मारता है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, लूम सोलर प्रीमियम फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। ये इनको सर्टिफाई करता है, 25 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है। तो अगर 25 सालों में कोई भी दिक्कत आपको हो, आप लूम सोलर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इनसे वारंटी क्लेम कर सकते हो। ये कहाँ बना हुआ है? मेड इन इंडिया, फरीदाबाद में दोस्तों ये मैन्युफैक्चर होता है। मॉडल आप पढ़ लीजिए, इसका वेट है अराउंड 1 kg, डायमेंशन नो डाउट अगर आप बड़ा लोगे तो बड़ा होगा, और MRP ऑन द बॉक्स 1000 रुपीज़, जबकि ये आपको 850-900 रुपये में आराम से मिल जाएगा। और कब ये बना हुआ है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये है दोस्तों पैकिंग जिसमें ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आता है। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स, ज़्यादा कुछ होता नहीं इनके अंदर। यहाँ पर है मेन मॉड्यूल, बस यही कुछ मिलेगा। तो यह है दोस्तों लूम सोलर का 10 वाट का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। अभी मैं आगे वाले हिस्से में बाद में आता हूँ, चलिए मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि कितने वाट का ये पैनल है, क्या आपको आउटपुट में देता है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर इसका आउटपुट बोर्ड है जहाँ से आप अपनी डिवाइसेस को या फिर गैजेट को कनेक्ट कर सकते हो। ये दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आप मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेना। ये लूम सोलर का पैनल है। चलिए मैं आपको इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, और मैं जो यहाँ पर डाटा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आई थिंक कि बहुत ही कम लोग अनबॉक्सिंग में आप लोगों को बताते होंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर, मतलब कि ये जो पैनल है ये मैक्सिमम कितनी वाटेज आपको दे सकता है, 10 वाट। ये जो डाटा लिखा हुआ है 10 वाट की पीक वाटेज, ये दोस्तों आपको तभी मिलेगी जब आप इस सोलर सेल को अंडर स्पेसिफिक सनलाइट कंडीशन या फिर टेस्ट कंडीशन में टेस्ट करोगे। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब आप इसको सनलाइट के नीचे रखोगे तो आपको, आई थिंक अगर समर हो और बिल्कुल सन ओवरहेड हो, तो आई थिंक कि 10 वाट आपको आराम से मिल जाएंगे। इवन आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लैटिट्यूड पर या फिर आप किस एल्टीट्यूड पर हो। मैक्सिमम पावर वोल्टेज, मतलब कि मैक्सिमम पावर कंडीशन में जब ये 10 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन दैट केस ये 20 वोल्ट आपको आउटपुट में देगा और करंट उस समय होगा 0.5 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी, मतलब कि अगर आप दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दोगे तो ये आपको 0.6 एम्पियर तक दे सकता है। और ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब कि जब आप इसको डायरेक्टली मल्टीमीटर से विदाउट लोड इसके टर्मिनल पर वोल्टेज मेजर करोगे, एट मैक्सिमम कंडीशन ये आपको 24.8 वोल्ट देगा, और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 600 वोल्ट को ये झेल सकता है। मतलब कि अगर आप इसके टर्मिनल पर 600 वोल्ट भी लगा दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो डाटा है आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, इसको अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन AM 1.5G, ईयर मास 1.5G, मतलब कि सन एट एलिवेशन ऑफ 42 डिग्री पर टेस्ट किया गया है।
AM1.5G में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, वो होती है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो स्पेक्ट्रल कर्व है वो कुछ इस टाइप का है। तो अंडर दैट कंडीशन इस मॉड्यूल को अगर टेस्ट किया जाए या इसको चेक किया जाए तो ये हमें ये वाटेज या फिर करंट वोल्टेज दे देगा। बाकी के और पैरामीटर्स की बात करें तो इस पूरे पैनल का फिल फैक्टर निकल के आ रहा है 67.2। एफिशिएंसी अगर मैं ये लेके चलूँ कि 10 वाट ये पूरा पैनल प्रोड्यूस कर रहा है इंक्लूडिंग दिस वाइट एरिया नॉन सेल एरिया जिसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर और विड्थ है 25.5 सेंटीमीटर, तो एफिशिएंसी अंडर AM1.5G आ रही है 11.2%। और अगर मैं इंडिविजुअल सेल को लेकर चलूँ जिसकी लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर और विड्थ है 2 सेंटीमीटर, ऐसे 40 सेल्स हैं, तो अंडर AM1.5G इसकी एफिशिएंसी आ रही है 16%। मतलब कि दोस्तों ये पूरा पैनल सिर्फ 11.2% ही एफिशिएंट है, मतलब कि अराउंड 88.8% सनलाइट को ये पैनल वेस्ट करता है, सिर्फ 11.2% ही ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। और ये इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो पैनल है ये बना हुआ है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकन या फिर अमॉर्फस सिलिकन से। मुझे कैसे मालूम दोस्तों इसके जो ये सेल्स हैं ये सर्कुलर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है, मतलब कि इन सेल्स में जो सिलिकन यूज किया गया है उसको लैब में डिपॉजिट किया गया है। दीज आर नॉट फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ बल्क सिलिकन। अगर बल्क सिलिकन से इसको बनाया गया होता है तो एफिशिएंसी नो डाउट 15% 16% से ज़्यादा होती। बिलो 15% मीन्स कि दीज सेल्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ पॉलीक्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस सिलिकन। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पर कोई सर्कुलर पैटर्न तो है नहीं, रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं और काफ़ी बड़े ये सेल्स हैं और इनका कोई भी कर्वेचर नहीं है। डैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि ये पॉलीक्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस सिलिकन से बने हुए हैं। और अगर आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ब्लैक कलर का हो गया, ये ब्लू, ब्लैक, ब्लू, दो ब्लैक हो गए, फिर ये कुछ ब्लू, तो शेड्स भी अलग अलग दिख रही हैं। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सिलिकन नाइट्रेट डिपॉजिट किया गया ऑन ईच एंड एवरी सेल ये डिफरेंट थिकनेस का है, और जनरली जो लोग सेमीकंडक्टर में काम करते हैं पर्टिकुलरली इन सिलिकन दे नो डैट कि सिलिकन नाइट्रेट कुछ इस टाइप का ही चमकता है ऑन ए सेल, तो बहुत काम करता है। पैसिवेशन की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको एज ARC कोटिंग की तरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इन सर्टेन केसेस इसको ऊपर हम लोग ग्रूफ्स बना के इसको फर्दर लाइट ट्रैपिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यह है इसका फ्रंट सेक्शन जहाँ पर आपको अराउंड 10 सेल्स इन अ रो मिल जाएंगे और 4 सेल्स इन अ कॉलम, मतलब कि टोटल मिला के 40 सेल्स का ये कम्बिनेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनता है कि मैं कैसे इस मॉड्यूल से अपने मोबाइल फ़ोन को या फिर अपनी डिवाइस को, गैजेट को, या फिर जो चार्जिंग सर्किट है या फिर अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकता हूँ। इसके लिए आपको कुछ इस टाइप का माइक्रो कंट्रोलर बेस सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना होगा। ये दो टाइप के आते हैं, MPPT और नॉन MPPT। आई थिंक ये नॉन MPPT बेस सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अगर आप MPPT बेस लेते हो, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, मतलब कि ये जो 10 वाट का पीक पावर है उसको ट्रैक कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगी, क्योंकि जो सनलाइट है वो दिन में कभी स्लांटिंग हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी वो काफ़ी इंटेंस हो जाती है। इन दैट केस अगर आपने लोड को डायरेक्टली पैनल पर कनेक्ट कर दिया है तो डेफिनेटली दिन भर में वोल्टेज वेरी करती रहेंगी। पहले तो आपका लोड अपनी कांस्टेंट स्पीड पर, अपनी कांस्टेंट एफिशिएंसी पर, अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर तो चलेगा नहीं, और दूसरा दोस्तों ये जो पैनल है ये भी अपनी मैक्सिमम आउटपुट पर नहीं वर्क करेगा, तो कुछ ना कुछ पावर यहाँ पर वेस्ट होगी। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। इस समय मैं नोएडा में हूँ, दिन के 11 बजे हैं, आज 6 तारीख है फरवरी 2021 की। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज इस समय एयर मास कितना है। एक ट्राइपॉड है मेरे पास और इसकी शैडो को मेजर करके मैं इस समय एयर मास को कैलकुलेट करूंगा। लेंथ इस समय शेडो की है 67 सेंटीमीटर और हाइट ट्राइपॉड की है 65 सेंटीमीटर। इस समय सन का एलिवेशन आ रहा है 44.1 डिग्री का, मतलब कि इस समय एयर मास है 1.44 का। चलिए दोस्तों अब सेटअप करते हैं। मैंने पैनल के पीछे 2 वायर्स लगा दी हैं ग्रीन कलर की। चलिए इस समय देखते हैं कि कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है। मैं मल्टीमीटर से इसको मेजर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस समय कोई भी लोड नहीं है, तो जो भी वोल्टेज मल्टीमीटर मेजर करेगा ये ओपन सर्किट वोल्टेज होगी। इस समय मुझे मिल रहे हैं 13.1 वोल्ट। चलिए थोड़ा सा पैनल को टिल्ट एंड ट्विस्ट करते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। 9.9 वोल्ट मुझे दोस्तों मिनिमम मिल रहे हैं।
चलिए पैनल के एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं सो डैट कि हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाए। तो आई थिंक कि सफिशिएंट है 13.28 वोल्ट। अब देख लेते हैं कि कितना हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिलता है। मैं मल्टीमीटर को एमीटर रेंज में ले जा रहा हूँ, तो इस समय शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है 0.456 एम्पियर का, जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया है इन दिस कंडीशन। मैं एक लोड को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस फैन को इस पैनल से चलाने जा रहा हूँ। वाओ अमेजिंग, फैन चलने लग गया है दोस्तों। कैमरे के साथ रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ब्लेड्स घूम रहे हैं, स्टिल लग रहा होगा आप लोगों को, बट इट इज़ मूविंग। ये फैन इस समय टोटली सोलर पैनल पर चल रहा है और काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। चलिए अब मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं। मैं दोस्तों मोबाइल फ़ोन को डायरेक्टली भी चार्ज कर सकता हूँ, बट इन दैट केस मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है, चार्जिंग जो सर्किट अंदर का वो ख़राब हो सकता है। तो मैं एक यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 35 वोल्ट तक काम करता है। चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है थ्रू द पैनल। तो ये पॉजिटिव है, चलिए इस चार्ज कंट्रोलर को लगा देते हैं। लाइट जल रही है मतलब कि ये रेडी टू यूज़ है। चलिए अब मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं। ये मेरा रेडमी 8 है। वाओ ये चार्ज होने लग गया, अगर आप देख पा रहे हो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये चार्ज हो रहा है। वाओ मैं इस पैनल से मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकता हूँ। मैं इस लुमिनस के चार्ज कंट्रोलर को भी लगा देता हूँ, मैं इससे अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकता हूँ अगर मुझे सफिशेंट वाटेज या फिर करंट मिल रहे हों, और रात को भी मैं बैटरी के थ्रू अपने फ़ैन को चला सकता हूँ। दोस्तों अब मैं यहाँ पर फ़ैन के अक्रॉस वोल्टेज और करंट ड्रॉप को भी मेज़र करने जा रहा हूँ। इस समय ओपन सर्किट वोल्टेज 13.32 वोल्ट की है, और जैसे मैं फ़ैन को कनेक्ट करता हूँ तो ये वोल्टेज गिर जाती है 5.3 वोल्ट के करीबन हो जाती है। चलिए एक बार करंट को भी देख लेते हैं। मैं सर्किट को ब्रेक करके बीच में एमीटर को लगा रहा हूँ, मतलब कि मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इस समय करंट जा रहे हैं 0.453 एम्पियर, मतलब कि ये फ़ैन इस समय 2.4 वाट पर चल रहा है, जो कि पैनल की रेटिंग से काफ़ी कम है। अगर आप कोई सोलर पैनल्स मॉड्यूल्स अरेज को लगा रहे हो अपने घर पर अपने कमर्शियल बिल्डिंग पर, तो रेकमेंड करूंगा कि आप चार्ज कंट्रोलर के साथ साथ MPPT सर्किट को भी यूज़ करें। अगर चार्ज कंट्रोल के अंदर इनबिल्ड है MPPT तो बेटर रहेगा, आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी थ्रू द पैनल। इस नए बजट सेक्शन में सोलर सेल पर इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ी हैं और आगे आने वाले समय में मे भी इनकी कीमतें और बढ़ें, बट दोस्तों ये एक बार का खर्चा है। अगर आपके पास इनको लगाने के लिए जगह है और बजट भी है तो मैं तो दोस्तों रेकमेंड करूंगा कि आप इनको लगा लो। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बार लगने के बाद ये आपको आगे आने वाले 20 से 25 सालों तक ले फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे। बस थोड़ी बहुत मेंटेनेंस लगती, अगर आप कोई बैटरी बैकअप यूज़ कर रहे हो, आपको इन पैनल्स को साफ करना है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मेंटेनेंस है, बट ये आगे आने वाले 20 से 25 सालों के लिए आपको फ्री में एनर्जी देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इन पैनल्स को अपने घरों के लिए, अपनी कमर्शियल अपार्टमेंट्स के लिए या फिर अपने ऑफिस प्रीमिसिव के लिए लगाना चाहते हो, तो मैं आपको लूम सोलर का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उनको कॉन्टेक्ट करके इनको अपने लिए मंगवा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सोलर सेल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है घंटे वाला जो निशान है इसको ऑल करके बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट की फ्यूचर स्टॉक की वीडियो मिस ना पाए। नमस्कार, बाय बाय।